Okay, so Lockup was obviously a different format of game, and when we saw the promo, firstly, it was looking a different thing. And when we saw you in that show, and we were like, what sir is doing in that show? And the journey was like great. So, and now as you have came out, so what do you want to say about the Lockup journey? मैंने भी जब लॉकअप का प्रोमो देखा, बोला यार ये क्या है, ये अलग टाइप का रियलिटी शो. फिर मैंने अपने आप को अंदर देखा तो मुझे लगा यार मैं कैदी हूँ. ओके, और ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, और उन इल्ज़ामों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा. बट आई जस्ट लव्ड द होल प्रोसेस ऑफ लॉकअप. जैसे ही शो शुरू हुआ, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद, आई रियलाइज दैट दिस शो इज़ सो गुड. ओके, एज एक ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, ये ऐसा वाला प्लेटफॉर्म था एटलीस्ट टिल 2 मंथ्स बैक, जब तक कि मैं वहाँ पर था. कि उसके बाद तो इतनी गंदगी हो गई, लिटरली इट बिकेम सो डर्टी. एवरीबडी, मतलब मैं बाहर आया एंड मैं देख रहा हूँ सब जगह, एंड पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट. नेचुरली दे वुड, बिकॉज हुआ ही इतना ख़राब था. ओके, वायलेंस ऑन वुमेन, अब्यूसिव एंड डर्टी लैंग्वेज ऑफ वुमेन ऑल्सो. खाली ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़के लोग गंदे गंदे अश्लील और घिनौने शब्द बोले थे, इवन वुमेन वर टॉकिंग लाइक दैट. एंड यू जस्ट रियलाइज दैट यार आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, जेन्यूनली आई एम नॉट. सो आई एम ग्लैड दैट आई एम आउट, एंड आई वॉज ग्लैड कि आई प्लेड एंड आई इंजॉय द गेम. अब तक जितना भी हुआ बहुत बहुत मज़ा आया मुझे, बट इससे नीचा मैं नहीं गिर सकता. If you want to pick up best memories from that entire journey, so what will be that? बहुत सारी मेमोरीज थी, लेकिन एक स्पेशल मेमोरी वो होगी जो पहला इविक्शन हुआ मेरा. पहली बार जब मैं इविक्ट हुआ था, सब लोग शॉक, और जो हम लोग रोए, जो हमारी ब्लू टीम एक दूसरे को मतलब लिटरली पकड़ के रोई ना, इट वॉज अ मोमेंट टू बी चेरिस्ड फॉर लाइफ. और उसी मोमेंट से, उसी ग्रुप में से मेरा एक बहुत ही करीबी, बहुत ही दिल का, बोलते हैं ना, एक दिल का टुकड़ा दोस्त बना है, वो है शिवम. ओके, आई लव हिम, आई लव हिम अ लॉट. और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्ड बनी थी मुनावर के साथ. अभी गेम में थोड़ी हो गई ऊपर नीचे, बट आई नो वी आर मोर मेच्योर देन व्हाट वी शो ऑन ऑन द शो. बिकॉज जो शो में होता है वो शो में ही रहता है, हमें इतनी वो है. एंड आई लाइक हिम, आई लाइक हिम एज एन इंडिविजुअल, आई लाइक हिम एज अ पर्सन. उसकी पर्सनैलिटी फ़नी है, मस्ती है, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. तो एक वो दोस्ती है जो मैं बाहर बहुत चेरिश करूँगा, मुझे पता है. Okay, so in reality shows, when you talk about the back reality shows, there are so many tasks you have done. But in this reality show, there was one task which was like secret telling task. So how would you define that secret telling task? Was it difficult for you? Because there were so many secrets which came out from your end in another end. So how would you define that secret task? सीक्रेट शेयर करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है. एक आपको है ना वल्नरेबल कर देती है. यू फील निहत्ता, जिसे कहते हैं कि यार अब कोई भी अटैक कर सकता है. बट आई रियलाइज वन थिंग जो मेरे लिए, अगर इसमें एक ड्रॉबैक है तो उसमें एक प्लस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ देर वॉज अ मिस कैरेज, बट देन द मिस कैरेज लेड टू अ ब्यूटिफुल बेबी बींग बॉर्न, जिया, यू नो. सो देर इज ऑलवेज समथिंग दैट वर्क्स आउट फॉर द बेस्ट. इफ आई एम इन डेट, इट्स ओके, इट इज़ रियली ओके, बिकॉज ये भी पास होगा. इफ आई हैव मेड सो मच ऑफ मनी, आई हैव लॉस्ट इट, आई विल मेक इट बैक अगेन. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई हैव द साइड ऑफ माई फैमिली, एंड दैट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना दिमाग का संतुलन, वो दैट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, दैट हैज़ टू बी मतलब रॉक सॉलिड. कुछ भी हो जाए इट्स ओके. आप कितने भी मतलब बुरी परिस्थिति में फंस जाओ, इट्स ओके, इवन दैट विल पास. सो आई डोंट माइंड, आई डोंट, इट डजेंट मैटर फॉर मी, यू नो. आई एम वेरी, इट हैज इनफैक्ट द शो हैज़ मेड मी स्ट्रॉन्गर, इट हैज़ मेड मी फेस माई फियर्स. जो फियर था, कोई बात नहीं, इवन इवन दो आई एम एन एक्टर एंड गॉड्स ग्रेस आई एम इन अ वेरी कमांडिंग पोजिशन विद ऑल गॉड्स ग्रेस. के अभी जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ,
बट स्टिल इट डज नॉट मैटर. मुझे शोर शाबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर लोग आके बोले तो ऐसे या सो वॉट. लोग बड़े बड़े घर खरीदते हैं, देर इन डेट. लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं. लुक एट ऑल, लुक एट चाहे वो क्या नाम है अपने यूबी के हो, किंग फिशर के जो हो, विजय माल्या हो, ही इज इन डेट, बिगेस्ट डेट, द मोस्ट, द रिचेस्ट पर्सन इज इन डेट. चाहे आप बैंक्स के देखो कितने सारे लोन्स देते हैं. एवरीबडी इज इन डेट. इट डजेंट मैटर, बट डोंट लूज होप, डोंट लूज योर करेज, डोंट लूज योर हिम्मत, फाइट इट, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. No, I think they wanted me to be even more badass. Matlab, they wanted me to be the way these guys are. I would not have. So I don't know what I would have done. Or मैं क्या पता मैं ऐसी कुछ चीज़ कर बैठता जो मैं शायद अपने आप को कभी forgive नहीं कर पाता. I would not be able to face myself, because ये shows जो होते ना ये ऐसे ही होते. ये तो ख़त्म हो जाएंगे. आपने जो किया है ना ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा. Like whatever Zeeshan has done with Azma, it will be there with him for the rest of his life. Whatever Poonam has said to me will be there for the rest of her life. Whatever Prince has taken the side of Zeeshan when this Azma ka incident hua will be there with him for the rest of his life. Whatever Munawar has said, anything about my career, my profession, whenever I look at him, it will be in front of his eyes. The show khatam ho jata hai. Aap jo bolte ho na, zindagi bhar rehta hai. Words that are said are carved with stone, cannot be changed. Okay, so coming back, as you have said, Zeeshan, so what do you want to say about his eviction? Was it fair or unfair, or it was like completely different from the eviction was completely different? I think the eviction should have happened the day he did that. It happened 2 days later. He should have been evicted the very first day. That should have been the stand. The maker should not have waited for the audience reaction to come, because what he did was completely wrong. Jo Azma ne bhi bola hai wo acha nahi bola hai, usne bhi bahut kharab bola hai aur bahut gandi ghinoni baatein boli hai. But that does not give you the right to lay a hand on a woman, and that is why Zeeshan ne kiya so kiya. Uske saath jo log khade the, जो उसका साथ दे रहे थे, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. भले वो लॉकआउट नहीं हुए, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाफिंग विथ हिम, फॉर इनकरेजिंग हिम, फॉर टेकिंग हिज साइड. नहीं, मेकर्स बेचारे कैसे करते, वो तो मतलब थे ही नहीं अंदर. वो गार्ड थे, गार्ड्स आर नॉट सपोज टू टच द कैदीज. वो तो हम थे वहां पर जो Zeeshan को हमने रोका है. ओके, एंड दैट आई एम ग्लैड वी वर देयर, वरना पता नहीं वो किस तरह उसे मतलब मिसट्रीट करता. दे डोंट रियलाइज Zeeshan is also in a small way a role model for a lot of people. Prince in a very big way is a role model for a lot of people. I am a big role model for a lot of people. Hum jo karte hain, jo hamare fans hote, jo audience hote na, wo follow karte hain ki agar isne kiya so it's okay. To agar Zeeshan ne kiya to hum bhi kar sakte. Kisi ne mere maa baap ko gaali di to main to phod dunga, main maar dunga. What is this? What kind of behavior is this? अगर प्रिंस ने Zeeshan का साथ दिया है कि उसने मारा और प्रिंस बैठा ही है, तो हम भी बैठ सकते, बिकॉज प्रिंस भी तो बैठा था. दिस इज वॉट दे थिंक. इफ आई स्टैंड फॉर Azma, माई फैन सेड नो इट्स गुड, इवन आई विल स्टैंड फॉर अ वुमन, एंड somebody is डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नीड टू फाइट दैट पर्सन. पीपल जो फैंस होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं ना, दे आर वेरी इंप्रेशनेबल. यू टाइम एंड अगेन, चाहे आप कितने भी रियलिटी शो जीते हो या हारे हो, चाहे आप कितने बड़े एक्टर हो या नहीं हो, यू हैव टू इवॉल्व एवरी डे. आप उस गुरूर में या उस शोशाबाजी में नहीं रह सकते कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं एक बड़ा एक्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नो. आज देखिए अक्षय कुमार सर ने क्या कमाल की वो बात इंस्टाग्राम पोस्ट और सब जगह उन्होंने कही है कि ही स्टेपिंग डाउन एज वो जो इलायची ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर है. हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू दैट मैन. इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स करेज, इट टेक्स गट्स. कितने करोड़ों रुपए मिले होंगे उन्हें,
टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर. इट डजेंट मैटर, पैसा ही सब कुछ नहीं है. आपको लोग कितना फॉलो करें, कितने लोग, कितने फैंस अक्षय कुमार सर को फॉलो करते. अगर वो जो जर्दे का ब्रांड है उसकी इलायची खा रहे हैं तो लोग ये भी तो कहते हैं ये इलायची ब्रांड है तो शायद वो जर्दा भी खाते होंगे तो हम भी खा सकते हैं. When he steps down, people feel this is also not good. It's wrong. I should not do it. So this is the kind of role model you need to be. This is the kind of example you need to set. मैं ये नहीं कह सकता ज़ीशान को क्या करना चाहिए था. इज एन इंडिविजुअल, ही डिड वॉट ही हैड टू डू. जो पूनम मेरे पे चढ़ी गालियों के साथ, शी वेंट ऑन माई पेरेंट्स, माई फैमिली. आई रिप्लाइड टू, आई स्क्रीम्ड हर, स्क्रीम्ड बैक एट हर. मैंने कहा तेरे, यू आर अ गटर माउथ. बट उससे ज़्यादा आई कुड नॉट अब्यूज हर बैक. आई विल नॉट गो दैट लो. ऐसे लोग चलो शो में मुझे आई हैव टू डील विद देम, बट दे डोंट एग्जिस्ट इन माय लाइफ. बट दे सेइंग दिस आई डोंट बिकम दैट, तो व्हाई विल आई आल्सो स्टूप माय सेल्फ. बिकॉज वही ना कि आप अपनी इज्जत नहीं गवा सकते. उसने तो अपनी इज्जत गवा दी जब उसने मुझे धक्का भी दिया. आई विल नॉट पुश अ बैक. मैं वैसा इंसान नहीं हूं, तो फिर मुझ में और उसमें क्या फर्क है. सो दिस इज वॉट आई डिड एट दैट पॉइंट. यू हैव टू, आपके आपका संयम आपको आप खो नहीं सकते हो. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर पीपल डूइंग एंड व्हाई आर दे डूइंग, एंड यू हैव टू जस्ट रिएक्ट द वे यू वांट टू रिएक्ट. बट दिस इज द वे आई हैड टू रिएक्ट एंड आई स्टेड अवे. ओके, सो कमिंग बैक टू योर इविक्शन, डू यू थिंक इट वाज जस्ट अ लेस वोट और समथिंग एल्स? आई टू थिंक इट्स समथिंग फिशी. आई थिंक इट्स समथिंग एल्स. My eviction was nothing to do with votes, of course. But anything, कुछ भी हो सकता है. मुझे तो बहुत ही unfair लगा. I'm very disappointed, very very disappointed. I think I was playing a great game. I had my A game on. There were इतने celebrities आए थे Saturday को, बोल रहे थे कि I see KB भाई in top 5. I saw myself in the finale. My fans saw me in the finale. But अब क्या कह सकते हैं? I cannot blame the maker. Okay, but yes, if there is a doubt, there is a doubt. I can't help it. I don't understand how is this possible. So, it's okay. It's a game. And we'll treat it as a game. But okay, so now, if you get a chance to re-enter in that jail, so will you go? मैं क्षमा चाहता हूँ. मैं अब कतार में नहीं हूँ. Okay? मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊँगा. बहुत हो गया. जैसे कि मैंने कहा कि the show is going to get dirtier. And I don't want to be in that dirt. It's done. दो हफ्ते बचे हैं भाई. जो भी विनर है जीत लो, मज़े करो. मुझे पता है कि मुझे शो से क्या मिला. आई एम वेरी हैप्पी द वे द शो हैज़ इवॉल्व मी एज अ ह्यूमन बींग. या एब्सोल्युटली, आई लाइक द वे प्रिंस केम. और उन्होंने सबकी गेम बदली है. अच्छा है, सबको एक इंडिविजुअल गेम खिलाया है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं आता हूँ या मैं रहता हूँ, आई एम अ थ्रेट टू एवरीबडी. आई एम अ थ्रेट टू अ लॉट ऑफ पीपल. वेदर इट डजेंट मैटर ऑडियंस वोट्स और नॉट, बट इन द गेम बिकॉज आई नो वॉट आई वॉन्ट एंड आई गो देयर टू गेट इट. सो पीपल डू गेट थ्रेटन्ड एंड प्रोबेबली दिस वॉज one of the way because they wanted to make some other people go ahead in the game. So this is what I feel must have happened in my case. But I think everybody is playing an individual game. Or jo ye samajh jaye is hafte wo finale ki race mein confirm hai. Aur mera boom bam to pahunch hi gaya finale mein, Shivam. And how do you see Karan Kundra as a jailer? Are man, kamal hai. Wo hai mujhse chota, लेकिन एक बड़े भाई की तरह बिहेव करता है वो. जिस तरह वो समझाता है, जिस तरह वो बात करता है, वेरी सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो रिसेप्टिव टू एवरीबडीज ओपिनियन. बट ही इज़ नॉट ओपिनियनेटेड. यू नो पर्सनली है उसकी ओपिनियन, बट ही इज़ नॉट जजमेंटल अबाउट वॉट ही फील्स और वॉट पीपल हैव डन. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द शो एक्चुअली. इवन कंगना फॉर दैट मैटर, शी इज़ नॉट, शी डजंट जज यू फॉर वॉट
mistakes you've made or for what good you've done. You know, it is up to you. If you think you made a mistake, jaakar aap paschataap karo. If you think you've done good, great, do better. You know, so aapko khud hi seekhna padega, aapko khud hi apne aap ko sambhalna padega. And that's what I loved about the show. नहीं, अर्लियर ही वॉज प्लेइंग अ गेम एंड हिज गेम वॉज डैम गुड, बट वो ये व्हेन आई केम बैक हिज गेम बिकेम द सेम, मतलब अब दिख रहा था कि वो क्या कर रहा है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई एवरीबॉडी बैक स्टैब्ड हिम, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज दैट ही इज ऑल्सो यूजिंग हिज टीम टू मूव अहेड. और प्रिंस ने बहुत सही बात कही थी कि जब इन लोगों ने मुनावर को धोखा दिया और वो डोमिनो टाइल्स लगाए, वो उसने उसको बहुत फील हुआ. उसने कहा कि हम साथ में जाएंगे टॉप फाइव में और तब लड़ेंगे. आई सेड देन प्रिंस सेड इट विल बी टू लेट टू फाइट दैट टाइम, तब तो इट विल बी सो दिस थिंग दैट बस मुनावर भी जीत जाएगा. नो, यू हैव टू फाइट राइट नाउ, यू हैव टू टेक अ स्टैंड राइट नाउ, यू हैव टू प्ले लाइक एन इंडिविजुअल राइट नाउ. सो एवरीबडी अंडरस्टूड, बट क्या है, अंजलि साइशा दे कुड नॉट सी इट थ्रू. उन्होंने स्टैंड तो लिया, धोखा तो दिया, लेकिन डंके की चोट पे करते ना कि हाँ किया है मैंने अपना, यहाँ साथ तक किया, बट नाउ आई वांट टू प्ले इंडिविजुअल, आई वांट टू मूव अहेड. इफ यू फेल बैड, टू बैड फॉर यू, बट अभी अगर नहीं किया मैंने तो मैं फिर आगे कैसे कैसे कर पाएंगे. अब फिर हम हार जाएंगे, हम यहाँ टॉप फाइव के लिए थोड़ी आए, हम जीतने के लिए आए. बट वो उसमें उनमें वो जज्बा ही नहीं था, दे कुड नॉट सी इट थ्रू. टॉप थ्री तो मेरे तीन ही हैं फेवरेट, शिवम, पायल और मुनावर. विनर तो एक ही होगी. सी द वे पायल इज प्लेइंग द गेम इज कमेंडेबल. वो एक भी वीक स्टैग्नेंट नहीं हुई है. हर गेम हैज ऑलवेज इम्प्रूव्ड, ऑलवेज फ्रॉम वीक वन टू वीक राइट नाउ. Even though Munawar has a lot of fan base, Payal's fan base is increasing tremendously, and I love the way she's playing. Jo karti hai na, muh pe karti hai. Agar apne aap bhi baat kare na, akeli loudly baat kar rahi hai taki audience sune. I like that. Ha, thoda uski baatein thodi kabhi kabhi kadvi ho jati hai, but she also gets personal. Agar wo ye sambhal le, personal nahi hona, aur jo game mein usi ko uthao. No one can stop her. Do you think audience-wise, Munawar will be there, top 2? Top 3 tak to I'm sure. Top 2, they came for gone. Thank you so much, sir. All the best.